एपिसोड की स्टार्टिंग से ये हमें दिखाया जाता है शॉर्टरी को जो कि एन्स के सामने खड़ी होती है और अभी आपने अपने एन्स को फाइट करते हुए देखा ही था पिछले एपिसोड में। इसी की वजह से उसके कपड़ों में और उसके चेस्ट पर और हाथ पर काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट आई थी क्योंकि वो डिवाइन पावर था। यहाँ पास से दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बात करते हैं एमपी और एचपी की, यानी कि गेम लेवल की। चैप्टर 13 प्लेयर वर्सेस नॉन प्लेयर। यहाँ पे शॉर्टरी एन्स के सामने खड़ी होती है जहाँ पे एन्स उसे बताता है कि जब तुमने मुझ पर डिवाइन पावर और फायर पावर का यूज किया था, भले ही मेरी एचपी लो हो गई थी लेकिन मैंने उस पावर को थोड़ा बहुत कंज्यूम कर लिया था जिससे मेरा एचपी ज्यादा नीचे नहीं गया। इस बात को सुनते ही शॉर्टरी थोड़ा सा तो हैरान होती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अब वो अपने नेक्स्ट लेवल फॉर्म को भी यूज करेगा, जिस पर वो कहती है एन्स तुम यहाँ पे जो भी हो सिर्फ अपने फेस मैजिक की वजह से हो, अब तुम्हारे पास फिजिकल पावर तो है नहीं जिस पर मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। यहाँ पे एन्स को दिखाया जाता है जो कि एक क्रिपी सी स्माइल देता है जो कि हमेशा स्माइली होता है और यहाँ पे एक अटैक कर देती है शॉर्टरी, और शॉर्टरी जब पीछे हटती है तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि एन्स के ऊपर एक कवच होता है जो कि महान ताकेमिया शिची का होता है। एक्चुअल में ये सुप्रीम बींग्स में से एक बंदे का कवच है जिस पर अब दोनों की फाइट चालू होती है। कॉकेटस और डेमिगेट ये सारे नज़ारे को देख रहे होते हैं। आपको बिल्कुल भी इस पावर और बाकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये इतना अच्छा कवच कैसे इनके पास आ गया। कॉकेटस समझाता है ये ताकेमिया शिची का एक महान कवच है। एल्बिडो बताती है कि उनकी पावर काफी ज्यादा अच्छी है और उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता और उन्होंने पावर को कुछ शायद बोरो किया है इसीलिए उनकी पावर लाजवाब है। एल्बिडो इस बात को सुनती है और काफी खुश होती है और कहती है मेरी लॉर्ड महान है। उसी तरफ शॉर्टर के पेट में वो स्वॉर्ड घुसा दिया जाता है। यहाँ पे अब ये कवच को देखते हुए कि ये पावरफुल कवच है, कॉकेटस भी हैरान होता है थोड़ी समय के लिए। कॉकेटस को समझ में आता है कि ये सब कुछ बिल्कुल एन्स सर के बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा है कि जब वो डिफेंड करना छोड़ेगी खुद को और अटैक मोड पर आएगी तब हमारे एन्स उस पर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे खुद को डिफेंस करते हुए। इस बात से जब तक हमारी शॉर्टरी को समझ में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है क्योंकि उसका एक हाथ पूरी तरह से गायब हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एन्स ने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया और उसके पूरे हाथ को ही मिटा दिया। फिर इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है इसलिए वो अटैक अब काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से करती है, जहाँ पे एन्स ने भी उसके अटैक को डॉच कर लिया होता है डबल स्वॉर्ड की मदद से। यहाँ पे हमें हाथ को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अब बिल्कुल भी हैरान होती है कि यहाँ पर अभी हुआ क्या कि पहले उसने स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया और अपने एक मैजिक से एक बो में चेंज कर दिया। बोझ बता दूं कि एक ऐसा एरो है जिसमें डिवाइन पावर निकलती है जो कि गॉड लेवल की होती है और इसको शूट कर देता है वो डायरेक्टली शॉर्टरी के ऊपर। शॉर्टरी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक में होती है कि ये पावर तो बुकुचकमा का है, यानी कि हमारे एन्स की बहन का, और ये 14 डिवाइन पावर्स में से एक है यानी कि उन लेजेंडरी के हिस्सों का, जहाँ पे वो बताता है कि मैंने सभी पावर 14 बींग से हमें कुछ समय के लिए बोरो की हुई है और अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगी। ये कहते ही उस पर एक बार और शूट कर दिया जाता है। फर्स्ट टाइम तो वो डॉच करती है लेकिन सेकंड टाइम उस पर वो वार लग ही जाता है, यहाँ पे वो थोड़ी सी कमजोर महसूस करने लगती है खुद को। अब यहाँ पे फाइटिंग तो काफी जबरदस्त चल ही रही होती है जहाँ पे हमारा एन्स एक बार फिर से वुडन स्टिक को तोड़ता है जहाँ से वो पावर चेंज हो जाती है काफी बड़े एकर जैसा है, यानी कि एक तरफ हथौड़ा और एक तरफ आरी जैसा कुछ था, जहाँ पे कॉकेटस समझाता है डेमिक को कि ये पावर काफी ज्यादा लाजवाब है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये पावर अलग अलग 14 सुप्रीम बींग्स के ली गई है, जहाँ पर वो ये भी बताता है कि इस पावर का यूज जल्द से जल्द करने का मतलब ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा कमजोर कर सके शॉर्टरी को। जहाँ पे एल्बिडो समझाती है कि जब शॉर्टरी अपना डिफेंस छोड़कर अटैक मोड पर आएगी तब वो अपनी पावर्स का जल्द से जल्द यूज करके उसे काफी ज्यादा थका देंगे और घायल कर देंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि जिस टाइम पे फाइट चल रही है डेमिक कहता है कि हाँ अब मैं समझ गया कि शॉर्टरी के लिए कितनी बड़ी खतरे बनने वाले हैं हमारे एन्स। अब वो अपने शायद माइंड कंट्रोल से भी निकल पाएगी लेकिन ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। एल्बिडो इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है कि उसके मास्टर काफी ज्यादा लाजवाब है। अब यहाँ पे इस आर्मर के साथ और इस स्वॉर्ड या फिर कहूँ इस वेपन के साथ काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था एन्स
अब यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ का भी यूज़ कर पा रहा था वो बड़ी आसानी के साथ, जहाँ पे वो अब स्टॉर्म ब्रेकर जैसे उस मिली के हथौड़े वेपन को छोड़कर एक शील्ड में कन्वर्ट कर लेता है और ये उसकी बहन की पावर होती है। चुकू चुकू होता है और इस नाम को सुनते ही हमारी शॉर्टरी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और यहाँ पर वो बिना रुके उस पर अटैक करती है जिस पर उसका एचपी लेवल नीचे की तरफ गिरा सके, लेकिन ऐसा हो पाना काफ़ी ज़्यादा नामुमकिन हो जाता है क्योंकि अब वो शील्ड का इस्तेमाल कर रहे थे इसलिए उसके सारे अटैक डॉच कर दिए जाते हैं और वो एक बार फिर से वही बड़ा सा घेरा बना लेते हैं जो कि एपिसोड की स्टार्टिंग में यानी कि फाइटिंग की स्टार्टिंग में बनाया गया था। यहाँ पे बनाने के बाद जहाँ पे वो कहती है कि तुम ऐसा कर रहे हो एंस, इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपना एचपी लेवल के साथ साथ मेरा एचपी लेवल भी बढ़ा दोगे, इससे ये होगा कि मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊँगी। जहाँ पे उसे एक छोटा सा केएमपी दिखाया जाता है, ये किसी तरह का टाइमर है जिसे दबाते ही कोई भी बंदा उस गेम से कुछ समय के लिए आउट हो सकता है। इंस कहता है कि तुम यहाँ से मारी जाओगी, जिसके बाद वो उस पर अटैक करती है इंस के ऊपर, लेकिन इंस शाउटर के इस अटैक को देख लेता है और वो पीछे तरफ से किसी डीमन टाइप के क्रीचर को दिखाया जाता है। यहाँ पास से उसके केएमपी को तोड़ देते हैं जिससे उसका मैजिक यानी कि वहाँ पास से शाउटरी पूरी तरह से वैनिश हो जाती है और आसपास दिखाया जाता है एंस के कि पूरा जगह वाइट यानी कि वाइट लाइट से भर चुका है और यहाँ पे वो लास्ट नाम मैरिक लेती है और ये इसके बाद गुड बाय एंस कहती है। यानी कि हम नोटिस करते हैं कि जो मारे है उसने कुछ ही चीज़ को सक किया है, तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि उसने शाउटरी के सोल को कुछ समय के लिए सक किया हो जिससे वो वापस से उसे रीजनरेट कर सकें। यहाँ पास से मैरे वहाँ से निकल जाती है जिस पर वो बताता है ऑफकोर्स एंस जीत चुके हैं, यानी कि मास्टर एंस जीत चुके तो हमें चलना चाहिए और ऐसा ही वो करके उस जगह से निकल जाते हैं। एल्बिडो के सामने खड़े होते हैं जिस पर एल्बिडो को वो कहते हैं कि तेरा नाम देखकर बताओ, तो पता चलता है कि शॉर्टरी का नाम उस जगह से गायब हो चुका है, इसका मतलब वो अब हमारे बीच में नहीं रही। यहाँ पास से सभी लोग उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होते हैं, जहाँ पर चारों तरफ दिखाया जाता है कि सोना ही सोना है, जहाँ पर ये लोग इस जगह पर इसलिए आए हैं जिससे वो उसे फिर से रीजनरेट कर सकें। यहाँ पर सभी लोग बोलते हैं कि क्या लगता है आपको कि उसकी जगह कोई ले पाएगा, जहाँ पे एंस कहते हैं कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता लेकिन अब हमें फिर से उसे रीजनरेट करना होगा, जिस पर सभी लोग कहते हैं कि आप इन पब्लिक पैसों का अब क्या करेंगे मास्टर, क्योंकि इतना बड़ा खजाना है दोबारा इकट्ठा करेंगे या नहीं, जिस पर वो कुछ नहीं कहते और उस पूरे सोने को एज अ पानी बना देता है और कुछ ही देर में वहाँ पे शॉर्टरी बन जाती है और उसका एक शरीर भी बन जाता है यानी कि सोने से बन जाती है वो फिर से। नोटिस करने वाली ये थी कि चाहते तो इसे सिल्वर से भी बनाया जा सकता था लेकिन वैम्पायर सिल्वर को काफ़ी ज़्यादा हेटरेट करते हैं, शायद इसीलिए उसने इस गोल्ड का इस्तेमाल किया। एल्बिडो को वो कहते हैं कि एक बार फिर से नाम देखो, जहाँ पर उसे पता चलता है कि नाम वापस आ चुका है यानी कि शॉर्टरी इस गेम के अंदर फिर से जिंदा हो चुकी है। अब इस चीज़ को देखते हुए कि वर्चुअल गेम में भी इसे जिंदा किया जा सकता है, अब यहाँ पे वैम्पायर को दिखाया जाता है जो कि इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है लेकिन वो सब कुछ भूल चुकी होती है कि उसने एंस के साथ फाइटिंग की थी या नहीं, जिस पर वो और भी चीज़ें भूल जाती है। यहाँ पे एंस उसे अपनी गोद पे उठाता है जिसके बाद वो बातें करने लगते हैं। यहाँ पे वो इस बात को सुनती है और काफ़ी ज़्यादा शॉक में होती है, जहाँ पे एल्बिडो बताती है प्यार भरी बातें करना थोड़ा दूर ही रहो एंस सर से, जिस पर वो मुंह बनाती हुई एल्बिडो को दिखाती है। एंस अपनी मोटिव के हिसाब से पूछता है ये बताओ शॉर्टरी तुम्हें आखिरी चीज़ क्या याद है और ये भी बताओ कि तुम कैसे उनके वश में आ गई थी। जहाँ पे वो बताती है कि आपके ऑर्डर के हिसाब से मैं ह्यूमंस को हंट कर रही थी जैसा कि सेबास ने प्रिंस को लाने की वादा किया था यानी कि प्रिंसेस को, एपिसोड नंबर या 9 या 10 पे देख सकते हैं आप लोग, जिस पर वो पूरी स्टोरी बताती है और उसे भूल चुका होता है। एंस इस बात को समझ जाता है और कहता है कि ठीक है तुम देख लो कि तुम्हारा कोई चीज़ या फिर कोई पार्ट मिस तो नहीं है ना। यहाँ पे वो एंस के कहते ही एंस पे सोच में पड़ जाता है। को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि उसके नीचे के जो बड़े बड़े संतरे जो हैं वो गायब हो चुके हैं। खैर जैसा कि इसमें बोला गया था मैं वैसा ही आपको बता रहा हूँ, तो कमेंट में प्लीज़ गाली मत दीजिएगा। जिस पर सभी लोग हंसते हैं और डेमिक कहता है क्या सच में तुम्हें इस चीज़ की पड़ी है, आपने एंस को कितना ज़्यादा हर्ट किया है इसके बारे में आपको ज़रा भी ख्याल है कि नहीं है। डेमिक और बाकी सभी लोग उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हैं और समझाते हैं कि तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं। यहाँ पर डेमिक बताता है कि तुम ह्यूमंस के कंट्रोल में आ चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है और एंस पर आता है जहाँ पे एंस एक सीढ़ी के ऊपर बैठ कर सोच रहा होता है। एक्चुअल में वो अपने फ्रेंड्स को सोच रहा होता है जो कि महान 14 बींग्स में से एक होता है खुद भी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एल्बिडो को जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो सीधे जाती है हमारे एंस के पास और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसे खड़ा करती है
और यहाँ पर से एन्स काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। यहाँ से यहाँ पे एल्बिडो कहती है कि मास्टर आप खुश हो जाइए क्योंकि यहाँ पर अब सब कुछ ठीक हो चुका है। एन्स कहता है कि नहीं, अभी इन ह्यूमंस ने काफ़ी ज़्यादा हद तक काम कर दिया था अपना, लगभग शॉर्टरी ख़त्म ही हो चुकी थी, लेकिन वो तो मेरी पावर का भला हो जिससे मैंने इन सभी को वापस से ज़िंदा किया है। लेकिन अब हमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और उसके साथ साथ स्मार्ट भी होना पड़ेगा क्योंकि ह्यूमंस के पास कैसी कैसी पावर्स हैं इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता। और एंस इस बात में सोचने पड़ जाता है कि शायद उसकी तरह कोई और भी बंदा इस गेम में फंसा हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उन्हीं मेंबर्स को जो कि वो उस जगह के बारे में बता रहे होते हैं जहाँ से वैम्पायर को आज़ाद करा लिया गया है। फिलहाल तो इन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि वैम्पायर अभी भी आज़ाद है या फिर अभी भी वहाँ के कैप्चर में है या फिर कहूँ माइंड वाले गेम के अंदर फंसी हुई है। ये कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है मिस्टर बॉयलर को जहाँ कि वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ उसी गांव के लिए निकलते हैं जिसे एन्स ने सबसे पहले बचाया था, जिसके बाद नाबे भी उसके साथ ही होती है जहाँ पे नाबे कहती है तुम लोग भूलना नहीं जो एन्स मास्टर ने कहा था। अब ये कहते ही वो लोग मास्टर की बात सुनते हैं और उस जगह से पहुँचते हैं जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बड़ी दीवार खड़ी कर ली थी अपने घर के बीच में जिससे कोई भी चोर या लुचक्का या फिर किसी भी तरह का कोई भी आदमी अंदर घुस ना सके। यहाँ पे उनके साथ कई अलग अलग तरह के गॉब्लिंस भी होते हैं। नाबे वहाँ पर आती है जहाँ पे एक मेडस भी होती है जो कि एन्स के द्वारा भेजी गई होती है उस गांव के प्रोटेक्शन के लिए। दूसरी तरफ हमें एक घर को दिखाया जाता है जिसके अंदर सिर्फ लाइट चल रही होती है। वो कैसल काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, इसके अंदर सेबास होता है और उसकी मेडस जो कि यहाँ पर बाहर की तरफ देखते हैं और वो सेबास किसी तरह का लेटर लिख रहा था शायद। सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे बंदा बाहर की तरफ निकलता है और एक बंदे को घर के नीचे बैठा हुआ देखता है यानी कि बीच वाली जगह पे, जिस पर वो देखता है कि ये तो ब्रायन है। ये ब्रायन वही बंदा है जो कि हमारी शॉर्टरी के पास से बच चुका था और ये बंदा गैजेफ जिसने उस गांव की मदद की थी जिसे एन्स ने बचाया था। आ जाता है हमें कि एन्स एक बार फिर से इस जगह पर आता है और अपना नाम मोनमा के साथ इंट्रोड्यूस होता है जहाँ पे सभी लोग बातें करते हैं कि इस बंदे ने अकेले ही उस अनडेड यानी कि उन लोगों को हरा दिया जो कि मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहे थे। इस बात पे काफ़ी हैरान होते हैं और जहाँ पे एक बंदा कहता है आखिर आफ्टरऑल वो ह्यूमन है, जहाँ पे वो इतना ज़्यादा तगड़ा कैसे हो सकता है। मोनमा उस लड़की के सामने खड़ा होता है और पूछता है कि मेरे अलावा कोई काम है क्या, जिस पर उसे एक कॉल आता है जिस पर वो लेडी बताती है कि नहीं आपके लिए ऐसा कोई भी काम नहीं जिसे आप कर सके, सब ये छोटे लेवल के ही काम है। ये कहते ही वो बाहर की तरफ निकलता है और अपना रूम ऑलरेडी बुक्ड रहता है, जिस पर वो कहता है अब उस जगह पर हम सभी लोग साथ में जाएंगे। इस बात को दिखाते ही उसकी आंख को दिखाया जाता है और सीन वहीं पे कट होता है। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मेरे इंस्टाग्राम उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, साथ साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी। थैंक यू।